नमस्कार, लाइव 24 में स्वागत है आपका। मैं मनीषा। पूर्व रक्षा मंत्री राज जॉर्ज फर्नांडिस का आज 88 साल की उम्र पे निधन हो गया है। जॉर्ज फर्नांडिस अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में मंत्री रहे थे। पूर्व रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस ने आज दिल्ली के मैक्स अस्पताल में आखिरी सांस ली। जॉर्ज फर्नांडिस लंबे समय से बीमार चल रहे थे। आखिरी बार जॉर्ज फर्नांडिस अगस्त 2009 से जुलाई 2010 के बीच तक राज्यसभा सांसद रहे थे। फर्नांडिस अपने समय के कद्दावर नेता माने जाते हैं और उन्होंने मजदूर संगठनों का नेतृत्व किया था। पूर्व रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस 14वीं लोकसभा में बिहार के मुजफ्फरपुर से जनता दल के टिकट पर सांसद चुने गए थे। फर्नांडिस 1998 से 2004 तक राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार में रक्षा मंत्री रहे थे। राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद को लेकर केंद्र की मोदी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर कहा कि अयोध्या में जो विवादित स्थल पर हिंदू पक्षकारों को जो जमीन दी गई है उसे राम जन्मभूमि न्यास को सौंप दिया जाए और करीब 2.5 एकड़ भूमि का कुछ हिस्सा भारत सरकार को लौटा दिया जाए। अयोध्या में जमीन विवाद के आसपास की करीब 70 एकड़ जमीन केंद्र सरकार के पास है। इसमें से 2.5 एकड़ की जमीन पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया था। जिस भूमि पर विवाद है वो जमीन 1 एकड़ से भी कम है। सरकार का कहना है कि इस जमीन को छोड़कर बाकी जमीन भारत सरकार को सौंप दी जाए। वहीं अयोध्या में राम मंदिर मामले में 29 जनवरी को होने वाली सुनवाई टलने से विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारियों में गुस्सा है। तमाम साधु संत इंतजार कर रहे थे कि 29 जनवरी को इस संबंध में कोई ना कोई निर्णय लिया जाएगा, लेकिन सुनवाई टलने के बाद विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारियों ने साफ कर दिया है कि धर्म संसद में धर्माचार्यों की मौजूदगी में तय कर दिया जाएगा कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कब शुरू किया जाएगा। पिछले दिनों विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय उपाध्यक्ष चंपत राय ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर साफ कर दिया है कि अब मंदिर पर फैसला का और इंतजार नहीं कर सकते हैं। विश्व हिंदू परिषद की धर्म संसद 31 जनवरी और 1 फरवरी को कुंभनगर में आयोजित होगी, जिसके लिए पिछले दिनों विश्व हिंदू परिषद शिविर में तैयारी की जा रही है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने बताया कि यूपी बोर्ड की हाईस्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा आगामी 7 फरवरी से 2 मार्च तक होगी। दिनेश शर्मा सोमवार को सचिवालय में अपने कार्यालय में पत्रकार वार्ता में बता रहे थे। इन्होंने कहा कि इससे नकल विहीन और शिक्षक सम्मान के साथ परीक्षा कराने की पूरी तैयारी है। नकल माफिया तरह तरह के पैंतरेबाजी करते हैं, लेकिन इन सभी हथकंडों को नाकाम कर दिया जाएगा। इसके लिए परीक्षार्थियों को आधार से लिंक किया गया है। परीक्षार्थी हमारे गुणवत्ता का प्रदेश बन सके हमने प्रयत्न किए और उनका नतीजा ये निकला कि पिछले बार मैंने सारे आंकड़े दिए हैं क्रमवार कि पिछले बार जो परीक्षार्थी हमारे बैठे थे उनको हमने जब आधार से लिंक किया, परीक्षा केंद्रों को हमने स्व केंद्र परीक्षा प्रणाली समाप्त करी और परीक्षा केंद्रों को भी ऑनलाइन इस बार भी किया है, उनका निर्धारण हम करने लगे, तो ऐसी परिस्थिति में जहां 11,500 से ऊपर 11,514 परीक्षा केंद्र हुआ करते थे 2016-17 में, वहीं हमारा पिछली बार 8,549 हो गए थे और इस बार मुझे कहने में खुशी है कि परीक्षा केंद्र और कम हो गए, 8,354 परीक्षा केंद्र कुल इस बार बने हैं। लोकसभा 2019 के चुनाव को लेकर यूपी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राज बब्बर ने आगरा के शमशाबाद में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने जनता से आगामी चुनाव को लेकर समर्थन मांगा। चुनाव में फतेहपुर सीकरी लोकसभा सीट से कांग्रेस के संभावित प्रत्याशी राज बब्बर ने कस्बा शमशाबाद में जनता के बीच जाकर जनसभा को संबोधित किया।
जनसभा को संबोधित करने के दौरान बीजेपी पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार से किसान को कोई फायदा नहीं हुआ है, देश में अन्नदाता परेशानी से जूझ रहा है। इसके अलावा राज बब्बर ने 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की सरकार बनने का जिक्र करते हुए कार्यकर्ताओं में जोश भरा, तो वहीं राहुल गांधी के नेतृत्व को युवाओं का नेतृत्व बताया। 2009 के लोकसभा चुनाव में फतेहपुर सीकरी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ चुके राज बब्बर को नजदीकी अंतर के परिणाम से हार का सामना करना पड़ा था। देखिए, कुछ लोग जो हमारे साथ में नहीं गठबंधन बनाना चाहते थे, हमारे साथ में नहीं आना चाहते थे, उन्होंने अपना एक गठबंधन बनाया, लेकिन हम उन तमाम पार्टियों को लेकर चलेंगे साथ जो पार्टियां बीजेपी को हराना चाहती हैं, और हम उनका साथ देंगे और उनके साथ चलेंगे। यूपी के बहराइच में इलाज के नाम पर धर्म परिवर्तन की कोशिश का मामला सामने आया है, जहां रुपई डीहा इलाके में एक पल्लेदारी का काम करने वाले को ईसाई धर्मगुरु ने अपना निशाना बनाया है। गांव रानीपुरवा है, वहां एक व्यक्ति ने आरोप लगाया है कि धर्मेंद्र सिंह नामक व्यक्ति ने उसका धर्म परिवर्तन करने का प्रयास किया, उसको प्रलोभन दिया। उसकी तहरीर पर मुकदमा समुचित धाराओं में पंजीकृत कर लिया गया है। धर्मेंद्र सिंह से पूछताछ की जा रही है, जो भी आवश्यक कार्रवाई है वो की जाएगी। वही बहराइच में एक किसान की मिट्टी ढहने से दबकर मौत हो गई। बताया जा रहा है कि किसान अपने खेत में 10 फीट गहरे गड्ढे में पंपिंग सेट ठीक करने उतरा था, तभी अचानक से मिट्टी ढह गई, जिससे किसान की मौके पर ही मौत हो गई। ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद उसे बाहर निकाला। खबर मिलने पर पहुंची पुलिस ने जेसीबी बुलाकर कई घंटे तक रेस्क्यू किया, जिसके बाद शव बाहर निकाला गया। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने छत्तीसगढ़ में वादा किया कि अगर 2019 में कांग्रेस सत्ता में आई तो देश में हर एक गरीब को न्यूनतम आय की गारंटी दी जाएगी। राहुल ने कहा कि यह ऐतिहासिक कदम है और इससे गरीबी और भुखमरी को खत्म करने में मदद मिलेगी। इसके साथ ही राहुल ने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रधानमंत्री और बीजेपी दो भारत बनाना चाहते हैं। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले महाराष्ट्र में बीजेपी और शिवसेना ने खुद को बड़ा भाई साबित करने की जंग छिड़ी है। सोमवार को महाराष्ट्र में शिवसेना की बैठक हुई। बैठक से साफ संकेत निकल के सामने आए कि शिवसेना अपनी बात से पीछे हटने को राजी नहीं है। शिवसेना नेता संजय राउत का कहना है कि महाराष्ट्र में शिवसेना ही बड़े भाई का रोल अदा करेगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हमें बीजेपी का 50-50 का फॉर्मूला मंजूर नहीं है। इससे पहले ये बात सामने आई थी कि बीजेपी और शिवसेना के बीच गठबंधन की बात बनती नजर आ रही है। बीजेपी शिवसेना को 23 सीटें देने के लिए तैयार है, जबकि शिवसेना 24 सीट लेने पर अड़ी है। प्रधानमंत्री ने एक बार फिर सरहद पार देश के दुश्मनों को कड़ा संदेश दिया। एनसीटी कैडेट के बीच जोश भरते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि हम किसी को
छेड़ते नहीं, कोई छेड़े तो छोड़ते नहीं। उन्होंने कहा कि गार्ड ऑफ ऑनर का भी उन्होंने निरीक्षण किया। उनके साथ रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण भी मौजूद रहीं। एनसीसी कैडेट को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि हमारी सेना ने यह साफ संदेश दिया है कि हम किसी ने हमें छेड़ा तो हम उसे छोड़ेंगे नहीं, लेकिन राष्ट्र की रक्षा के लिए कोई भी कदम उठाने से नहीं चूकेंगे। यही वजह है कि 4.5 सालों में देश की रक्षा और सुरक्षा को सर्वोपरि मानते हुए महत्वपूर्ण फैसले लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगले महीने होने वाली जम्मू कश्मीर की यात्रा और प्रबंधों की समीक्षा के लिए यहां एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें प्रधानमंत्री की 3 फरवरी को जम्मू, श्रीनगर और लेह की यात्रा के बारे में बताया गया। वो तमाम विकास की परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और कुछ का उद्घाटन भी करेंगे। प्रधानमंत्री के सामा जिले के विजयपुर क्षेत्र में एम्स की आधारशिला रखने के बाद वहाँ एक रैली को संबोधित करने का भी कार्यक्रम है। सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या मामले की सुनवाई टलने पर केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि देश की जनता इस मामले पर जल्दी फैसला चाहती है और देश की जनता अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण चाहती है। देश का नागरिक, मैं ये कहना चाहूंगा कि इस मामले को जल्द से जल्द निपटा लेना चाहिए, कोर्ट को तेजी दिखानी चाहिए। महागठबंधन फॉर्मूले पर बनी कर्नाटक की कांग्रेस और जेडीएस सरकार पर एक बार फिर बादल मंडरा रहे हैं। राजनीतिक उठापटक के बीच कुमार स्वामी का बयान आया है कि वो पद छोड़ने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेताओं की अपने विधायकों को कंट्रोल करना चाहिए। कांग्रेस के कुछ विधायकों ने बयान दिया था कि उनके नेता कुमार स्वामी नहीं बल्कि कांग्रेस के सिद्धारमैया हैं, जिस पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस को इन मुद्दों को देखना चाहिए और अगर ये सब जारी रहा तो वो पद छोड़ देंगे। दरअसल कुछ दिन पहले ही 2 निर्दलीय विधायक कुमार स्वामी सरकार से अपना समर्थन वापस ले चुके हैं और कांग्रेस के ही कुछ विधायक नाराज चल रहे थे और बीजेपी के संपर्क में भी बताए जा रहे थे। बीजेपी के सहयोगी और प्रदेश के वर्ग कल्याण मंत्री राजभर ने बलिया जिले के रसड़ा आवास पर सोमवार को बीजेपी पर एक बार फिर से निशाना साधा। ओम प्रकाश राजभर ने योगी आदित्यनाथ के एक इंटरव्यू पर राम मंदिर मसले का समाधान 24 घंटे में करने के बयान पर कहा कि बीजेपी केंद्र में अपने शासनकाल में राम मंदिर मसले का समाधान नहीं निकाल पाई तो योगी 24 घंटे में क्या कर लेंगे। उन्होंने कहा कि उन्हें राम मंदिर बनाने के लिए किसने रोका है। दिल्ली एनसीआर में स्वाइन फ्लू तेजी से फैल रहा है। जनवरी में ही राजधानी दिल्ली में 200 से भी ज्यादा मामलों की पुष्टि हो चुकी है, जबकि पिछले पूरे साल में 205 मामले सामने आए थे। 1 जनवरी से अब तक आरएमएल हॉस्पिटल में स्वाइन फ्लू से 6 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि पिछले साल केवल 2 लोगों की मौत हुई थी। राजस्थान में स्वाइन फ्लू की स्थिति गंभीर है और वहां अब तक 70 लोगों की मौत हो चुकी है। इसके साथ ही गुजरात के वडोदरा में 5 और उत्तराखंड में 13 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। इलाज के बाद भी अब तक कई लोगों की मौत हो चुकी है। नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल की रिपोर्ट में लेकिन अब तक दिल्ली में एक भी मौत के आंकड़ों को शामिल नहीं किया गया है। प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना में बड़े स्तर पर धांधली सामने आई है। इस योजना को ठेकेदार ही पलीता लगाने में लगे हैं। निशुल्क बिजली कनेक्शन की इस योजना के पात्रों से ठेकेदार हजार हजार रुपए वसूल रहे हैं। बहराइच की रुपहीडीहा कस्बे में 1,000 रुपए ना देने पर योजना के पात्रों को योजना से वंचित रखा जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत मीटर केबल, बोर्ड और तार भी निःशुल्क दिया जाता है, बावजूद इसके 1,000 रुपए के लिए लोगों को ये सुविधा नहीं दी जा रही है। वहीं रुड़की ब्लॉक के पनियाला चंदापुर गांव में राजकीय प्राथमिक विद्यालय की बाउंड्री वॉल ना होने से
छात्र और शिक्षक काफी परेशान थे। ग्राम प्रधान ने विद्यालय की बाउंड्री वॉल से लेकर बच्चों के बैठने वाले आंगन में सीसीटीवी कैमरे तक लगवाए। विद्यालय में बाउंड्री वॉल ना होने से बाहरी लोग स्कूल में प्रवेश करते थे। बच्चों के पीने के लिए वाटर कूलर की भी व्यवस्था की गई है। वहीं ग्राम प्रधान प्रतिनिधि ने बताया कि बच्चों की समस्या को देखते हुए बाउंड्री वॉल का निर्माण कराया गया है। ग्राम पनियाला चंदापुर प्राथमिक विद्यालय पनियाला नंबर 1, यहाँ के प्रधान श्रीमती यास्मीन जी ने विद्यालय में बहुत कुछ कार्य करवाया। ये दीवार ना होने से बहुत सारी प्रॉब्लम थी, पढ़ाई डिस्टर्ब होती थी, बाहर के लोग आते थे, बाहर के बच्चे आते थे, डंगर पशु वगैरह भी आ जाते, बकरी आ जाती थी और चोरी का भी खतरा था। अब विद्यालय जो है ना चार दीवारी होने से सेफ है। वाटर कूलर जिसके लिए जिससे बच्चों की पानी की दिक्कतें दूर हुई। रामपुर के धुरियाई गांव में युवक ने शराब पीकर घर में तांडव मचाया, माँ से मारपीट की और उसने अपनी बीबी के साथ भी काफी मारपीट की। नशे में मिट्टी का तेल डालकर अपने ऊपर भी आग लगा ली। युवक की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। मुजफ्फरनगर के कोतवाली इलाके में एक रिश्ते में चाचा ने अपने 5 साल की भतीजी के साथ रेप किया। कलयुगी चाचा उसे दुकान से कुछ चीज दिलाने के बहाने ले गया और इस घटना को अंजाम दिया। बच्ची की चीख पुकार सुनकर परिजन वहां पहुंचे। आरोपी युवक को हिरासत में ले लिया गया है और बच्ची को मेडिकल के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कोतवाली क्षेत्र में गांव मलीरा में एक अनिल नाम का युवक है जो अपने पड़ोस में रहने वाली नाबालिग बच्ची को बहला फुसला की चीज़ दिलाने के बहाने ले गया। उसके घर वालों ने उस पर दुष्कर्म का आरोप लगाया है। पुलिस ने तत्परतापूर्वक FIR दर्ज कर आरोपी की गिरफ्तारी। लक्सर में दलित एकता मंच के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने क्षेत्र के करीब 10 से अधिक गांवों का दौरा कर जनसंपर्क किया, जहां उन्होंने गांव में बैठकें करके SC ST की छात्रवृत्ति घोटाले के खिलाफ 4 फरवरी को DM कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया और इसमें पहुंचने का आह्वान भी किया। मंच के अध्यक्ष ने संगठन के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ लक्सर क्षेत्र के 10 गाँवों से जनसंपर्क किया और ये जानकारी दी। समाज कल्याण में लगभग जनपद हरिद्वार और देहरादून में 500 करोड़ का घोटाला साबित हो चुका है RTA के तहत, और जो वर्तमान में हाई कोर्ट नैनीताल में विचाराधीन है और उनमें नाम भी उजागर हो गए हैं कि जिन अधिकारियों ने घोटाला किया है। उन अधिकारियों को सरकार के द्वारा दाएं बाएं भी किया जा रहा है। अभी हमारे यहाँ जो SIT जाँच कर रहे थे मंजूनाथ जी, उनका ट्रांसफर इसी उसके तहत जो है भाड़ पर कर दिया गया था, लेकिन हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया तो उनका ट्रांसफर निरस्त कर दिया गया। ये लगभग 500 करोड़ घोटाला है जो दलित समाज के बच्चों को, पिछड़ी जाति के बच्चों को स्कॉलरशिप में वजीफा मिलना था, उसमें घोटाला किया गया है। समान वेतन समान कार्य समेत 4 सूत्री मांगों को लेकर बागपत जिले के तमाम स्वास्थ्य संविदा कर्मियों ने जिला अस्पताल में CMO ऑफिस के बाहर सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही उनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो आने वाले लोकसभा चुनाव में नोटा का बटन दबाकर अपना विरोध दर्ज करेंगे। जौनपुर में उत्तर प्रदेश होमगार्ड्स वैतनिक अधिकारी और कर्मचारी एसोसिएशन ने डायल 100 के चालकों का नवंबर से अब तक भत्ता मानदेय का भुगतान न होने से नाराज होमगार्ड चालकों ने कलेक्ट्रेट परिसर में जमकर प्रदर्शन किया। उनकी मांग है कि 1 से 5 तारीख तक उनका मानदेय दिया जाए, सप्ताह में एक दिन के अवकाश मिले, ड्यूटी 10 से 15 किलोमीटर लगाई जाए, होमगार्ड चालकों की तरह कॉन्स्टेबल चालकों को भी रिजर्व में रखा जाए।
वहीं बांदा से आत्महत्या की खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि एक नवयुवक ने आर्थिक तंगी के चलते फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। बच्चे की उम्र महज 18 साल थी और पिता की खेती से उसके सारे खर्चे पूरे नहीं हो पा रहे थे, जिसकी वजह से घर वालों को गरीबी का सामना करना पड़ता था। खनन घोटाले में सीबीआई के छापे के बाद अब एसपी सुप्रीमो और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के ड्रीम प्रोजेक्ट में घोटाले को लेकर ईडी ने छापेमारी की थी। दरअसल यूपी के मुख्यमंत्री रहते गोमती रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट अखिलेश का ड्रीम प्रोजेक्ट था, लेकिन इसमें करोड़ों रुपए के घोटाले का आरोप लगा। इस मामले में गुरुवार को प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने छापेमारी शुरू कर दी। घोटाले का मामला दर्ज करने के बाद ईडी ने पहली छापेमारी की है। ईडी ने देश के चार राज्यों यूपी, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली में छापेमारी की है। ईडी की यह कार्रवाई सिंचाई विभाग के पूर्व अधिकारियों, इंजीनियर और ग्यामन इंडिया कंपनी के अधिकारियों के 8 ठिकानों पर चल रही है। मैं अमित यादव का पक्ष रख रहा हूं और उन्हें केवल पूछताछ के लिए बुलाया गया, तो वो अपीयर नहीं हो पाया, तो 30 तारीख को हमें ज़्यादा किस मामले यहाँ बुलाया गया था, क्या है वो मुजफ्फर मामले में, क्या उनका कार्य रहा, किस उनका कोई बहुत काय वो नहीं है, वो किसी ठेकेदार के साथ काम कर रहे हैं, तो उनको इसलिए बस स्टेटमेंट के लिए बुलाया गया। मेरठ को रविवार को दिन दहाड़े हुए डबल मर्डर मामले में फरार दो और आरोपियों का पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जबकि इस घटना में शामिल मुख्य आरोपी प्रशांत और उसके दोस्त अजब सिंह को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। पुलिस लाइन के सभागार में एसपी सिटी ने डबल मर्डर का खुलासा किया। उन्होंने बताया कि दिन दहाड़े दो मजदूरों की हत्या कर दी गई थी। जिस फैक्ट्री में दोनों मजदूर काम कर रहे थे, उसके मालिक ने अपने 3 साथियों के साथ मिलकर हत्या की थी। पुलिस ने फैक्ट्री मालिक, उसके मित्र को गिरफ्तार कर लिया है। 2 साथी फरार थे, जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस पूछताछ में मुख्य आरोपी ने बताया कि उसने बाइक चोरी करने के शक में दोनों मजदूरों की हत्या की थी। आरोपियों के कब्जे से प्रयुक्त हथियार भी बरामद कर लिया गया है। पुलिस ने सभी आरोपियों को जेल भेज दिया है। हम लोगों ने बहुत स्विफ्टली कार्य करते हुए सीओ दौराला, इंस्पेक्टर कुल्लोपुरम, क्राइम ब्रांच, एएसपी क्राइम, इन सब लोगों ने मिलकर के बहुत जल्दी उसको, जो 4 नामजद अभियुक्त थे उसमें से 3 को गिरफ्तार कर लिया है, और एक जो प्रताप उसका नामजद अभियुक्त है वो अभी रिस्पॉन्डिंग है। उसके ऊपर 25,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया है और हम भी उसको बहुत जल्दी उसको भी पकड़ लेंगे। तो इस प्रकार ये मोटर चोरी के आरोप में जो ये ब्रिक संचालक था, ब्रिक यूनिट चलाने वाला संचालक था, उसने मोटर चोरी के आरोप में इन दोनों के साथ बेरहमी से पिटाई की थी और उसी पिटाई से उनका पीएम कराया जा रहा है। बाकी कर्मचारी, शिक्षक, अधिकारी पुरानी पेंशन बहाली मंच के जरिए मेरठ के कमिश्नरी चौराहे से डीएम कार्यालय तक मशाल निकालकर जुलूस निकाला। उन्होंने योगी आदित्यनाथ के नाम एक ज्ञापन भी भेजा। उन्होंने बताया कि पुरानी पेंशन बहाली के लिए प्रदेश भर में आंदोलन चल रहा है। 6 फरवरी को पूर्ण रूप से हड़ताल की जाएगी। कर्मचारियों की मांग है कि पुरानी पेंशन व्यवस्था खत्म कर नई व्यवस्था लागू की जाए। सदस्यों के आह्वान पर 2 महीने पहले यह आंदोलन स्थगित किया गया था। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब बने रही लाइव 24 के साथ।